नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मित्र सॉल्यूशन पर और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इसमें सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का इलाज है जो फ्री करवाया जाता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो जाती है तो सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का इलाज है जो इस योजना से जुड़े हुए अस्पताल हैं तो उसके अंदर फ्री में आपका इलाज है जो करवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ है वो किस प्रकार से मिल सकता है और इसमें क्या क्या जो कवरेज है वो शामिल हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो भी परिवार बीमित हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद है वो सरकार के द्वारा की जाती है। यानी कि जिसका भी दुर्घटना में मृत्यु इत्यादि हो जाती है तो सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक है जो उस परिवार को दिया जाएगा जो बीमित परिवार है। तो इसमें कौन कौन सी दुर्घटनाएं शामिल है, किसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, वही हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी है जो लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 7 प्रकार की जो दुर्घटना है वो इसके अंदर शामिल की गई है। यानी किसी प्रकार की रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। यदि ऊंचाई से गिरने पर भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी 5 लाख रुपए तक मिलेंगे और मकान के ढहने के कारण किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो भी आपको 5 लाख रुपए तक है जो मिलेंगे। बिजली के झटके के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण, जैसे आप खेती करते हो और खेती के अंदर आप रासायनिक द्रव्यों का छिड़काव करते हो उसके कारण से भी आपकी मृत्यु हो जाती है या कोई किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए तक है जो मिलेंगे। डूबने के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या जलने की स्थिति में, यानी जलने के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए तक सरकार की ओर से दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र आपको इसमें चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यदि आपके पास में है तो वो भी चाहिए, FIR दर्ज यदि आपने करवाई है तो वो चाहिए और पंचनामा या चिकित्सालय द्वारा जो भी जारी डेथ समरी है वो आपको चाहिए। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके अंदर चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तभी आपको इसका जो लाभ मिलेगा। इसमें कौन कौन से लाभ है जो दे नहीं होंगे, किन किन को इसका लाभ है जो नहीं मिलेगा, यानी कौन कौन इस बीमे में शामिल नहीं होंगे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जैसे होती है कैंसर, TB या हृदयघात यानी हार्ट अटैक के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, कैंसर के कारण या TB के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा पागलपन के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें लाभ है जो नहीं मिलेगा। यदि किसी की हत्या हो जाती है या हत्या का प्रयास किया जाता है या आत्म क्षति होती है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश यदि करता है या आत्महत्या करता है या आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसमें ये बीमा है जो देय नहीं होगा। किसी भी बीमित सदस्य द्वारा नशीले पदार्थ के कारण यदि मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई ड्रग्स लेता है, एल्कोहल लेता है यानी शराब इत्यादि पीता है, उसके कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या क्षति हो जाती है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। चिकित्सा और शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति में आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी किसी का जो सरकार किसी का किसी भी प्रकार से कोई इलाज किया जा रहा हो उसके दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी का ऑपरेशन किया जा रहा हो उसके दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। नाभिकीय विकिरण अथवा प्रमाणिक अस्त्रों के द्वारा यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी को गोली लगने से मृत्यु हो जाती है, किसी भी प्रकार से विस्फोट के कारण यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। युद्ध या विदेशी आक्रमण या विदेशी शत्रु के कृत्यों के द्वारा गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी यदि आप गतिविधियां करते हो और उसके अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें ये लाभ है जो कवर नहीं होगा। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए यदि किसी की क्षति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। एविएशन में एंगेज होने के कारण या किसी भी प्रकार की अन्य जो क्षति होती है तो उसके दौरान यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। विभिन्न दुर्घटनाओं में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा। जहरीले जंतु के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी को जहरीला जंतु सांप या बिच्छू इत्यादि खाने के कारण यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको लाभ है जो नहीं मिलेगा। पॉलिसी के 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य के संबंध में 1 से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इसका लाभ है जो नहीं मिलेगा। यानी पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि के दौरान यदि 1 या 2 परिवार इसके संबंध में दावे कर देते हैं तो उसको लाभ है जो नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें आपको लाभ है जो नहीं मिलेगा। अब किस प्रकार से इसका लाभ है जो मिलेगा, 30 दिन के अंदर इसका जो निस्तारण है वो किया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण आपको यदि
यदि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए तक लाभ है जो मिलेगा। यदि दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की यदि पूर्ण क्षति हो जाती है, यानी पृथक हो जाते हैं हाथ पैर इत्यादि, या पूर्ण निष्क्रिय अंग हो जाते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए तक का जो लाभ है इसके अंदर मिलेगा। दुर्घटना में हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति होने पर, यानी एक हाथ ही या एक पैर या एक आँख ही चली जाती है, पृथक हो जाते हैं शरीर से अंग या पूर्ण निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपए तक इसमें जो लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों जिसकी भी दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक अंतिम जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको इसका लाभ है जो मिलने वाला है। जिसने भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लिया है या जिसने भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनको इस प्रकार का लाभ है जो मिलेगा। यानी उस परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उनको इसका लाभ है जो मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इनका जो लाभ मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।